आप लोगों को सबको वेलकम करते हैं। मैं उस्मान, ये अहमद भट्ट, शहरी और अली अमदा। आज जैसा कि हमारा व्लॉग है और इसके अंदर हम बताएंगे कि नारान कगान सिर्फ 5000 रुपये में आप लोग कैसे जा सकते हैं और सबसे सस्ता और इजी टूर होगा। लोकल वैगन जो कि हम चार लोग हैं, चारों को सिर्फ 25 रुपये लेगी और हमें पहुंचा देगी फैज़ाबाद से। आगे हम गाड़ी पकड़ेंगे मानसेरा की और उसके यहाँ बताते हैं कि आपको कितना चार्जेस होते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे सिर्फ 4000 रुपये यूज़ हो चुके हैं। बाद हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से आगे फैज़ाबाद सामने स्टेशन है, स्टेशन से हम बस देखते हैं या हाईएस्ट देखते हैं कि जो आगे हमें मानसेरा लेके जाए। अब हम फैज़ाबाद पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हमने खाना खाने लगे हैं और खाने के लिए अब चीज़ें मंगवा रहे हैं और आंखों में नींद भरी पड़ी हुई है। ये हमारा खाना आ चुका है और अब हम खाना खाने लगे हैं। 7-4 कप चाय मंगवाए हैं। तो हम आ गए फैसल मूवर्स पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगी मानसेरा और एबटाबाद की गाड़ी जो कि ये लगी हुई है। ये देख सकते हैं हमने 1600 रुपये की 4 टिकटें ली हैं मानसेरा पर। एसी वाली जो है वो 400 रुपये की है और विदाउट एसी जो है वो 380 रुपये की है। तो गाड़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है। तो अब हम जा रहे हैं मानसेरा जी। तो हम फैज़ाबाद से निकल चुके हैं, टाइम हो रहा है 7:21 का और हम फैज़ाबाद से निकल चुके हैं। तो हम जा रहे हैं मानसेरा। जैसा कि हम मानसेरा के अड्डे पे पहुंच चुके हैं, तो टाइम हो रहा है 10:30 का। तो बेसिकली यहाँ पे जो लोकल गाड़ी है वो ले रही है 400 रुपये नारान के लिए, और क्योंकि वो गाड़ी की सीटें छोटी थी तो इसलिए हमने उसे मना कर दिया और फिर हमने कैरी डब्बा बुक करवा लिया जो कि पर बंदा जो है उसको 600 रुपये चार्ज हुआ है। जी हम आ गए हैं बालाकोट में, मेन सिटी है बालाकोट की और ये मेन बाज़ार है बालाकोट का। यहाँ पे अब हम नाश्ता करने लगे हैं, नाश्ते के बाद हम फिर यहाँ से आगे नारान के लिए निकलेंगे।
खाना आया है और इसके अंदर हमने एक प्लेट दाल माश की है और एक कौरमे की प्लेट है और 5 रोटियां हैं। कौरमे 150 रुपये की है और दाल माश 120 रुपये है और 5 रोटियां। अब एंड पे जो बिल बनेगा वो बताएंगे आप। इस ट्रैफिक जैम से हमें ये साबित हो रहा है कि हम नरान के करीब पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और लोगों ने टूरिज़्म के लिए बेताब हैं, लोग घर से बाहर निकलना चाहते हैं और पहले से भी बेतहाशा रश नज़र आ रहा है, लेकिन सब अपनी मंजिल को जा बजा जा रहे हैं। रात से सोए नहीं हैं और वीडियोस बना रहे हैं, इसके साथ साथ अभी हम कागान क्रॉस कर लिए नरान के बीच में और मेरे पीछे ये देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। ये एंड तक जो है ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अहमद भाई। हाँ बिल्कुल, हम बहुत देर से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। इसकी वजह यही है कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी गाड़ी पीछे फंसी हुई है, तो बस ट्रैफिक निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही निकलती है गाड़ियाँ जा रही हैं तो हम भी चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से हम नरान पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम थोड़ी पैदल वॉक करके आगे कोई अच्छा नाइट के लिए रूम देखेंगे। वैसे तो यहाँ पे अब पीक का सीज़न हो गया हुआ है, काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं और होटल नहीं मिल रहे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कोई अच्छा कमरा दे दे। तो टाइम हो रहा है 2:04 का और हम नरान में मौजूद हैं। काफ़ी लोग आज लॉकडाउन को खुले हुए 2 दिन हो चुके हैं तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे रश है। एक दिन का जो होटल का रेंट है वो 4 से 5 हज़ार रुपये ले रहे हैं ये लोग, और जो टेंट है वो 1500 का भी दे रहे हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और वॉशरूम वगैरह, और वैसे 800 हज़ार रुपये का भी जो गंदे से गंदा है। इस तरह जो ये रेस्टोरेंट्स हैं इन पे तो बहुत महंगा रेट है इनका, उसके क्योंकि इवेंट शुरू हो गया हुआ है, इन्होंने भी काफ़ी दिन लॉकडाउन बर्दाश्त किया है तो इस वजह से इन्होंने भी अपनी मर्ज़ी के रेट देना शुरू कर दिए हैं। जी तो हम लोग हो गए तैयार और इस टाइम यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। हमारा प्रोग्राम था आप देखिए वीडियो। हम सुबह का नाश्ता करने लगे हैं, नान पकोड़े और जलेबियाँ। बिल्कुल ये जो नहर है, ये जो नहर है नरान की, यहाँ पे हम बैठे हैं। अब यहाँ से क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी जैम थी तो इस वजह से वो हमने जो कार बुक की है लुलूसर लेक तक जाने के लिए उसने हमसे 3,000 रुपये मांगे, बाकी सब 3,500-4,000।
मौजूद हैं भट्टाकुंडी में, नरान से आगे है ये अगला स्टॉप नरान का भट्टाकुंडी है। तो यहाँ से अभी हमारा प्रोग्राम है लुलूसर लेक तक का, आगे तक का देखते हैं क्या बनता है। तो हम जा रहे हैं अभी लुलूसर लेक की तरफ, ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, इनके साथ जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। आपको भी हमारे साथ मजा आ रहा है? भाई भी हमारे साथ खुश हैं, ये बैठे हैं पीछे लड़के, बड़ी प्यारी ड्राइविंग कर रहे हैं और मजा आ रहा है। काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी फैमिलीज आई हुई हैं और काफ़ी खुश हैं लोग। यहाँ पे सिग्नल नहीं है बिल्कुल भी और इर्द गिर्द काफ़ी फैमिलीज आई हैं। तो अब हमारा प्रोग्राम बना है कि हम बाबूसर टॉप तक पूरा जाएं, और वैसे हमारा लुलूसर लेक तक था 3,000 पे और टॉप पे हमने 4,000 कर लिया। अगर आप नरान के अड्डे से कोई भी पिकअप लेते हैं तो 4,000 में आपको बाबूसर टॉप नाना पे जाना है। हमें पता चला है कि आगे बाबूसर के पास लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तो जिसकी वजह से अब हमें यहीं से वापस जाना पड़ेगा वापस नरान। तो यहाँ तक का अभी तक हमारा सफ़र था। हमारे साथ थोड़ा सा ऐसा हो गया कि हमने जाना था बाबूसर टॉप तक, लेकिन मसला ये हो गया कि टेस्ट नहीं था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई है। अभी सबसे मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं लैंडस्लाइडिंग हुई है। तो अब हम वापस जा रहे हैं, देखते हैं और भी अच्छी अच्छी जगह।
जी तो आज की रात हमारा नारायण में स्टे है और टाइम हो रहा है इस टाइम 11:45 का। अभी हम यहाँ पे रात का खाना खाने आए हैं। नारायण का सबसे मशहूर ये रेस्टोरेंट है सरफराज कैफ़े। इसकी जो कबाब की डिश है ये सबसे मशहूर है। तो अभी हमने ये कबाब ऑर्डर किए हैं इनसे, 2 भड़े कबाब, 7 सब्ज़ी, आलू मटर गाजरें, रोटी और चाय। देखते हैं अभी क्या बिल बनता है। रात के बज रहे हैं, मतलब सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं शहरी भट्ट और अली टक बिस्कुट खाते हुए नारायण की सड़कों पर पानी लेने निकले हैं। पकड़ना है स्पीकर, हमने बल्ब से लगाया हुआ है। नाश्ता कर लिया है, नाश्ते का बिल बना है 480 रुपये कह रहा था, 450 रुपये कर रहे हैं। और उसके अलावा अब हम जा रहे हैं यहाँ से मानसेरा के लिए, जो मानसेरा के लिए पिकअप है वो जो है वो मांग रहे हैं 3500 रुपये 4 बंदों का। और अगर उन्हें कहें सवारी अपनी, मतलब 7 लोग लेके जाते हैं वो, तो वहाँ से अगर 7 लोगों के हिसाब से जाएँ तो वो फिर पर हेड जो आ रहा है वो है तकरीबन 600 रुपये। लेकिन एक बंदा जानने वाला था जो जिसके साथ हम कल गए थे, उसने एक अरेंज कर दी है गाड़ी जो कि सिर्फ 2350 रुपये देगी। तभी वो आ रहे हैं, हम देखते हैं कैसी है। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, ये शोग्रान से थोड़ा सा ही पहले आता है नारायण के बीच में। तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक व्यू है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं नारायण। तो हम मानसेरा पहुंच चुके हैं, ये मानसेरा का अड्डा आ गया है। और हमारे साथ जो नारायण से मानसेरा आए हैं, बहुत ही अच्छा इनका इखलाक है और बहुत ही अच्छा ये बातें करते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है इनके साथ। इसके साथ साथ अभी आपसे मिलवाते हैं, एक बात करते हैं। ये हमारे बहुत बड़े, बहुत अच्छे और खुश इखलाक हमारे साथ हमारे पार्टनर बने हैं। जी तो अब मानसेरा से रावलपिंडी के लिए हम निकल चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत मुश्किल से गाड़ी मिली है, नॉन एसी है। इसके पर टिकट जो है नॉन एसी की 380 रुपये की है, तो हम चार हैं तो 520 रुपये इसके टिकट के लग गए, सॉरी 1520 रुपये। तो गर्मी अभी शदीद हो गई है यहाँ मानसेरा में, भी मौजूद है। तो अब पहुँचते हैं इंशाल्लाह लाहौर। अभी टाइम हो गया है 2:05 का और अभी हम मानसेरा में ही हैं, मानसेरा जी की रोड पे। तो 4 घंटे के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। 6:30 बजे वाली ट्रेन है, अभी टिकट्स हमारी बुक नहीं है, ओपन टिकट लेके ही बैठे।
क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है यहाँ, रावल पिंडी से गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं यहाँ पे, और यहाँ से लोग पिंडी जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हैं, बहुत ज़्यादा रश था, तो अल्लाह का शुक्र है अगली चार सीटें में मिली। गाड़ी खराब हो गई है तो मैम आ रही है यहाँ पे ना, और मसला टाइम भी काफी ज्यादा है। अभी ये दूसरी गाड़ी आई है तो वही बस पहली गाड़ी हम लोग चेक करके लेके जा रहे हैं। ये तो 45 किलोमीटर दुनिया से मोटर हुई आप देख सकते हैं। अभी हमें हाईएस्ट ने इधर उतारा है, ये कश्मीर हाईवे है और इधर से पैदल जा रहे हैं हम आगे, तो ऊबर वगैरह देखेंगे या कुछ देखेंगे। हमने खाने के लिए कुछ चीज़ें ली हैं, दिखाओ अहमद। ये हमने बिस्किट्स ली है और एक पानी की बोतल ली है, तो अब जा ही रहे हैं। गर्मी भी ज्यादा हो गई है इधर। स्टेशन के साथ एक छोटा सा ढाबा है, तो यहाँ से हमने कोरमा साथ आलू पालक साथ रोटियाँ। हम लाहौर पहुंच चुके हैं और इस तरह हमारे सफ़र का इख्तिताम होता है। बस अब सिर्फ ये 200 रुपये मौजूद है और अब इसमें हमने घर जाना है, देख लें। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस तरह सफ़र इख्तिताम हुआ और हमारा टोटल जो बजट था और टोटल जो हमारा खर्चा आया वो 6000 रुपये आया, जिसके अंदर हमारी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे पानी की बोतल और मुख्तलिफ चीज़ें, तो टोटल पर हेड हमारा 6000 रुपीज़ हमें चार्ज हुआ। और इस तरह हमने 2 रात और 3 दिन का सफ़र तय पाया और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर खैरियत से पहुंच गए। और आप सबकी दुआओं के साथ चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और अपने कमेंट्स में बताइए कि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आनी चाहिए। हमें दीजिए इजाज़त, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।